सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी प्यार से कहिए, सत्संग जी हम सभी गुरु चर्चा में बैठे हुए हैं और ज्ञान की चर्चा होगी। सभी लोग निरंकार के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, गुरु के बारे में हम सब आपस में डिस्कस करेंगे। जी जी जी, बताइए महात्मा जी कुछ। हमारे मन में एक सवाल है। जी 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 महात्मा जी बोलिए कि निरंकार कहाँ है? हाँ, निरंकार कहाँ है? निरंकार कहाँ है? जी जी। अच्छा, अभी महात्मा जी के मन में एक सवाल आया है कि निरंकार कहाँ है। जो तो बताएगा उसको हम 100 रुपया इनाम देंगे। अच्छा, इनाम भी मिलेगा। आप लोगों को बताएं निरंकार कहाँ है। तो निरंकार तो हर जगह है, लेकिन हम इसका दूसरा सवाल कर रहे हैं आप लोगों से। 100 रुपया हम 200 रुपये इनाम देंगे जो बताएंगे उनको। ये कह रहे कि निरंकार कहाँ है, आप बताइए। हम कह रहे कि निरंकार कहाँ नहीं है, वो जगह बताइए आप लोग कि निरंकार कहाँ नहीं है। ये कौन बताएगा आप लोग बताइए, निरंकार कौन सा ऐसा जगह है जहाँ निरंकार नहीं है तो उसको 200 रुपये इनाम मिलेगा, बताइए। महात्मा जी हम बताएंगे। हाँ बताइए। जहाँ अहंकार है वही निरंकार नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत सही जवाब। देखिए महात्मा जी लोग, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीर जी ने कहा कि जब मैं था जी, जी, वहाँ हरि नहीं। मैं मतलब अहंकार, मतलब जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता है जी। तो ये गीत में भी आया है कि जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं है। और कबीर जी ने भी कहा, सभी संतों तो जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं रहता, और जहाँ निरंकार रहेगा वहाँ अहंकार खुद ब खुद नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें सद्गुरु माता जी ने सबसे पहले, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने निरंकारी मिशन ने सबसे पहला प्रण हम लोगों का कराया कि तन मन धन ये तीनों प्रभु परमात्मा के देन है, इसका अहंकार नहीं करना। मतलब अहंकार पहले ही खत्म कर दिया गुरु ने हमारा। तो जब अहंकार नहीं रहेगा तो निरंकार रहेगा। तो इसीलिए हमें जहाँ अहंकार है वही निरंकार है। बहुत सही जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से कहिए,